नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह आप लोगों के लिए आरपीएफ ट्रेडमैन का जो टेस्ट चल रहा है उससे संबंधित वीडियो बनाने के लिए एक अंकल हैं जो माली हैं उनके पास आया हूं। तो उनसे कुछ अनुभव आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं। आप लोग उसको अच्छे से देखना, जैसे कि ये पेड़ काट रहे हैं तो आप लोगों को इस प्रकार से सीखना है कि क्या कलम काटना है, बीच में काटना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे गार्डनर जो माली होते हैं वो ये सब कुछ नहीं जानते हैं कि नॉर्मल वे में क्या करवाया जाता है क्या नहीं करवाया जाता। ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो है, इसमें आप लोगों के लिए देखो क्या पेड़ की कटिंग और कुछ ये तालाब जो होते हैं उनके आसपास किस प्रकार से करते हैं और गार्डनिंग में क्या क्या करना पड़ता है और सब कुछ जो है वीडियो में आप लोगों को, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्या है बार्बर और आप लोगों का माली और नाई के भी जिस प्रकार से वो बाल बनाते हैं और फेसिंग करवाना और आप लोगों का बाल सेट करवाना और हमारे फौजियों का ऑफिशियल तरीके से किस प्रकार से क्या करवाते हैं और क्या क्या वहाँ का करवा के देखने वाले हैं। ये तो अभी मैं नॉर्मल बना रहा हूँ, फिर अभी मैं इसको टोटल ऐड करने वाला हूँ जिसमें वो सारे काम करके हुए दिखाते हैं ना। तो ये सब कुछ में इसके पीछे आप लोगों के लिए झाड़ू वाला भी है, साथ ही साथ आपका जो बार्टर कैरियर में आप लोगों से जो मसाले के नाम पूछे जाते हैं वो भी आप लोगों के लिए लिया है। तो मैं आप लोगों के लिए सब कुछ अच्छे से अच्छा लेकर के आ रहा हूँ। सो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बस पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हो तो हमारे जो टीम जो लगी हुई है आप लोगों के लिए निरंतर वीडियो बनाने में तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट करके ये ज़रूर बता देना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। साथ ही साथ आप लोगों को मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है मिल जाएगा, तो आप लोगों को जब भी ट्रेड टेस्ट हो तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं वो आप मुझे व्हाट्सअप पर बता देना, जिससे आप भी भाई लोगों की थोड़ी हेल्प हो सके। और भी मेरे पास ट्रेड टेस्ट के क्वेश्चन आ चुके हैं तो उनकी मैं जल्दी से जल्दी वीडियो तैयार करने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे आप लोगों को उसका क्या है नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दादा आप पेड़ काट रहे हैं, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ तो अभी हमारी अनुसार काटेंगे। ये पेड़ जो काट रहे हैं आप इनको देखिएगा, साथ ही साथ ये गार्डनिंग की भी और ये नाई की भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए। नाई का आप लोग देख सकते हो, नाई के क्या सिस्टम है, सारी की सारी वीडियो आप लोगों के लिए इसी में ऐड की गई है। आप लोग देख सकते हो ये क्या है शेविंग सेट, उनकी छोटी छोटी वीडियो में आप लोगों के लिए हर प्रकार की वीडियो है लेकर के आने वाला हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए झाड़ू की वीडियो भी ऐड कर रखी है, मीन्स आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट मटेरियल देने का हमने कोशिश किया। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसमें आप लोगों के लिए मसाले वाला वीडियो भी ऐड किया गया है। सारी की सारी वीडियो आप लोगों को लास्ट तक पूरा जरूर देखना है, इसीलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये रही आप लोगों के लिए मसाले वाला वीडियो। जी कौन सा मसाला है? लौंग है। ठीक है, ये दूसरे वाला? ये जीरा है। ये जीरा है अपना? जीरा है। ठीक है, तेज पत्ते मसाले। अच्छा, ये मसाले वाले तेज पत्ते होते हैं जी। ये फूल है, फूल पत्ता है। फूल पत्ता, ये फूल पत्ता है। ठीक है, कलर आता है सब्जी में, कलर आता है इससे दोस्तों, इससे सब्जी में कलर आता है, आप देखिए ध्यान से जी। ये दालचीनी है, टेस्ट आता है इससे सब्जी में, टेस्ट लेने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, ये देखिए जरा ध्यान से। लौंग की लकड़ी मसाले में काम आती है, लौंग के बराबर तेज आती है। लौंग के बराबर तेज होती है दोस्तों, लौंग की लकड़ियाँ हैं, ध्यान से देखिए मसाले, आप पहली बार सुन रहे होंगे। ये धनिया है, ये तो सभी जानते होंगे, ये धनिया है, सब्जी में डलता है। मिर्ची है दोस्तों, ये आपकी ये पिसाऊ का मसाला है दोस्तों, सब लोग जानते ही होंगे लगभग, जो नहीं जानते हो वो जान लो। ये भी मिर्ची है अपनी, वो वाली देखी, ये दोस्तों हल्दी है। इतने मसाले आप लगभग सभी जानते ही होंगे, ठीक है। और ये कुछ डिब्बों में और मसाले पड़े हुए हैं दोस्तों। ये बादाम फूल है, ये बात, ये देखिए, ये बादाम का फूल है अपना, ठीक है दोस्तों। खुशबू आता है सब्जी में, सब्जी में इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है जी दोस्तों। ये डिब्बे में लौंग पड़ी हुई है, खसखस है, खसखस कहते हैं दोस्तों इसे, इससे सब्जी गाढ़ी होती है, सब्जी गाढ़ी हो जाती है दोस्तों, आप सुन रहे हो, सब्जी गाढ़ी हो जाती है इससे, ध्यान से सुनिएगा। ये साया जीरा है, खुशबू आता है इससे भी, साया जीरा से भी खुशबू आता है, ठीक है दोस्तों। देखिए हम आप लोगों के लिए कितने मेहनत कर रहे हैं, अब आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और भी देखिए, भैया भी आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, अब तो आपका एग्जाम निकलना चाहिए। डोड़े मसाले कहते हैं इनसे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आपके लिए हम इतना कुछ लेके आए, देखिए आपके लिए इतने दूर परेशान हुए हैं, मसाले आपके लिए लेके आए हैं पूरे, एक आइटम और रह गया, आप देखिए। नान केसर, नान केसर जी, ठीक है दोस्तों। अब आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, इसी प्रकार टेस्ट लेके संबंधित वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। ओके दोस्तों, बाय।
अब मैं आप लोगों के लिए एक नाई हैं जो बार्बर का काम करते हैं, तो आप लोगों को हर एक चीज़ मैं वीडियो में कैप्चर करना चाहता हूँ, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना है। अब आप देख सकते हो मैं कहाँ आ जाऊँ आप लोगों के लिए, बार्बर गर्ल के पास जो अभी क्या कर रहे हैं मसाज। तो आप लोगों को हर एक चीज़ एकदम घर बैठे ही मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से मसाज कर रहे हैं। अब आप ये सोचोगे वहाँ क्या मसाज करवाते हैं, जी हाँ बिल्कुल, वहाँ जो उनका मर्जी पड़ता है बार बार से आप ही लोगों की आपस में ही मसाज करवाने लगते हैं, वो तो उनको क्या है कि सिर्फ देखना होता है, ओनली वो क्या देखना चाहते हैं, और यदि आप परफेक्ट देखते हो तो आप लोगों का वहाँ पे आप लोगों को स्पेशल नंबर दिए जाते हैं। तो मैं इसको वीडियो को शुरुआत करवाता हूँ, साथ ही साथ आप लोगों के लिए इस प्रकार जी मसाज आप लोग देख रहे हो किस प्रकार से गालों को घिसना है, और एक एक चीज़ में सुमित जी जो आप हमारे साथ हैं उनका बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि उनके मदद से ही मेरे साथ इतने RPF के बच्चे जुड़ पाए हैं। हम इनका पूरा देखते हैं, एक एक कंटेंट आप लोगों को क्लियर करवाया जाएगा, जिस प्रकार से ये मसाज करवा रहे हैं तो किस प्रकार से कितने समय तक आप लोगों को गाल की मसाज करना है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो बस आप लोगों का एक ही काम है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और एक एक चीज़ में आप लोगों को क्लियर करवाऊँगा। अब आप लोगों को वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखना है किस प्रकार से ये क्या मसाज करते हैं, और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन एक एक चीज़ इसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखो आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से इसकी तैयार करवा रहे हैं, इसको ये मसाज कर रहे हैं, और किस प्रकार से उस साबन को रीयूज़ करना है सब कुछ। ये हमारे नाई अंकल भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बस इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि आप लोगों के लिए जो कुछ भी हम मेहनत कर रहे हैं तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके थोड़ा इतना ज़रूर कह देना धन्यवाद, जिससे क्या है हमारे भाई लोगों को थोड़ा खुशी मिलेगी जो टीम हमारी काम कर रही है। तो इसके लिए ये आप लोगों को अभी मसाज दिखा दी, अब आगे मैं आप लोगों को लेकर के चलने वाला हूँ और क्या क्या होने वाला है। ओके, ये आप लोगों के लिए मसाज हो गया, अब मैं आप लोगों को बाल सेटिंग और आप लोगों का जो हम आईब्रो वगैरह बनाते हैं सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आगे आप लोग एक एक चीज़ हर एक तरीके से आप लोग इसको देख सकते हो। ओके, आगे इसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, देखोगे आप आईब्रो किस प्रकार से हम आई सेट करते हैं, किस प्रकार से हम जो है ऊपर के बाल ऊपरी बाल जो है सेट करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो धागा बांधना जो है, जिससे आपको धागा बांधना ही सीखना होगा, तो ये हमारे नाई अंकल आपको एक एक चीज़ क्लियर करवाएंगे। लास्ट में सबसे लास्ट में एक वीडियो और ऐड किया गया है जो हमारे लिए स्पेशल इनके द्वारा टाइम दे करके जो बनाया गया है, तो उसको भी आप लोगों को पूरा पूरा देखना है। ये आप लोगों का एक छोटा सा ट्रेलर था कि किस प्रकार से इसको सेट करते हैं, आप लोग देखिएगा किस प्रकार से इसको सेट कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत इनके द्वारा लगती है। तो आप लोगों को भी बस इतना ही करना है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कुछ भी ट्रेड टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को फुल डिटेल लेकर के आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना, आप लोगों की जो कोई भी क्वारी होगी आप लोगों को बता देना है। साथ ही साथ आप लोगों को जिस किसी का भी ट्रेड टेस्ट होता जाता है मेरा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पर विजिट कीजिए, कम्युनिटी टैब में भी आप लोगों को डाल दिया जाएगा। आप लोगों को पर डे बताना है कि आप लोगों का कितना कितना क्वेश्चन इसमें आया है और कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो ऐसा है नहीं हर दिन आप ही लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उस कारण मैं वीडियो बनाता हूं, तो मेरे पास क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत सारे, तो इसके लिए मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए जो है कोशिश करूँगा। ये भैया की आप लोग वीडियो देखिएगा और आप लोगों को क्वेश्चन जरूर बताना है, मैं तभी तो आप लोगों की भाई लोगों को बता सकता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपको अभी बताया ये हाथ में किस प्रकार से मोड़ते हैं, देख लिया आपने, बस यही चीज़ें आप लोगों को सीखना है। यह हाथ में इन्होंने किस प्रकार से एक मुंह में दाब रखा है और एक प्रकार से इसको खींच रहे हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को सीखना है। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करवा रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हैं ये सब करो, बिल्कुल वो हर एक चीज़ करवाते हैं। यदि आप बार बार बन रहे हो तो आप लोगों से ऐसा नहीं सिर्फ बाल सेट करवाए जाएंगे, हर एक चीज़ करवा के दिखाई जाएगी। इस प्रकार से ये देखो ये बाल इस प्रकार से हम खींचते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से और ये करवा रहे हैं, सब कुछ आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करवाई जाएगी। अब मैं आगे आप लोगों को एक बार और विशेष वीडियो की ओर लेकर के चलने वाला हूँ। अब आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आ चुका है, ये अंकल हमारे साथ कितना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक एक चीज़ अब क्लियर करना है किस प्रकार से बार कटिंग की जाती है। तो आप लोग देखिएगा ये जब बड़ा पेड़ है, कितना बड़ा पेड़ है, इसको भी ये साइड से एक एक प्रकार से एकदम गोल कर देना है। आप लोगों को इसमें कोई भी वो नहीं दिखाना है, देखो इस प्रकार से काट रहे हैं, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, मैं अभी आपको दिखाऊंगा पूरा का पूरा इनका गार्डन सेट है, लेकिन सिर्फ ये हमारे लिए। आप लोगों का ट्रेड टेस्ट इस कारण से आपको पकड़ने का तरीका किस प्रकार से चलाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को मिल भी जाता है, उन लोगों को आता नहीं है, तो इस प्रकार से हमें चलाना तो सीखना पड़ेगा ना, ये सब चीज़ें आप लोगों को इसमें देखने को लेंगी। तो आप लोग इसको पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, ये हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को बस इतना ही करना है, सिर्फ क्या वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, इनके लिए कमेंट बॉक्स में एक
धन्यवाद जरूर लिख देना है। साथ ही साथ आप लोगों को जो भी ट्रेड टेस्ट होता जाता है तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है नीचे, आप लोग उस पर मुझे कॉल करके और या आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता दीजिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिससे मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर सकूँ। मेरे पास अभी 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं, 10 क्वेश्चनों में क्या है वीडियो थोड़ा 2-5 मिनट का ही बनता है, मैं सोच रहा हूँ अच्छे से यदि 20-25 क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों के लिए एक धांसू सा वीडियो तैयार कर दूँ। इसीलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जब भी आपका वीडियो आएगा तो आप लोगों को जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ये भी हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कोई भी प्रयास नहीं रहेगा कि आप लोगों को भी लेट करवाया जाए। ये आप लोग देख सकते हो, पूरा देखिएगा, पूरा एक एक चीज़ सेट करके हमको बता रहे हैं तो आप लोग एकदम तसल्ली से देखना किस प्रकार से सेट कर रहे हैं। ये पूरा पूरा वीडियो आप लोग जा रहा है, ये देखो ये हमें करके दिखा रहे हैं, बस आप लोगों को शांति से अंत तक देखते रहना है। हम भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम भी आप लोगों के लिए कहीं माली, कहीं बार, कहीं मसाले वाले के पास, कहीं झाड़ू वाले के पास, सब जगह सिर्फ आप लोगों के लिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना और बीच बीच में आप लोगों को एक दो जो मेरे पास 5 क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों से पूछता रहूँगा, नहीं तो आप लोग क्या है वीडियो को बीच में ही छोड़कर भाग जाओगे। इसीलिए बीच बीच में जो मेरे पास 5-6 क्वेश्चन है उनको भी बीच बीच में पूछता रहूँगा जिससे आप लोगों को पता चलता रहे कि किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। ओके, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा कंटिन्यू, और मैं आप लोगों को अब थोड़ा क्या साइलेंट मोड पर जाता हूँ, कंटिन्यू मैं बोलता रहूँगा तो मेरा भी जो है आप लोगों के लिए जो प्यार है आप लोग सोचोगे क्या बोलते रहते हैं सर, तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, देखते रहिए किस प्रकार से कटिंग कर रहे हैं और इसको पकड़ने का तरीका, हसिया कैसा होता है वहाँ का कटिंग का, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए नई होंगी। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ भी चीज़ आप लोगों के लिए नई ना हो, हर एक चीज़ आप लोगों के लिए ऐसा हो कि हम इसको पहले कर चुके हैं, घर बैठे ही आप लोगों को हर चीज़ उपलब्ध हो रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा इस चैनल की एक विशेषता है, रेगुलर्स पर आप लोगों को करंट अफेयर्स मिलती है, साथ ही साथ आप लोगों को जो NCERT का सिलेबस है 6, 7, 8, 9, 10 भी आप लोगों को जल्द से, इस पर आप लोगों को कोई काम का नहीं है लेकिन कुछ लोग हमारे भाई बहन ऐसे हैं कि उनको काम की आवश्यकता हो, आपके छोटे भाई होंगे, आपके बच्चे भी होंगे, कुछ बड़े भाई जो हमारे साथ जुड़े उन लोगों के बच्चे भी होंगे जो 6, 7, 8, 9, 10 में होंगे, तो NCERT का सिलेबस घर बैठे उन लोगों को उपलब्ध होगा, वो भी भिन्न भिन्न टीचरों के द्वारा एक अच्छे से एक्सपीरियंसेबल, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो में हम मेहनत तो आप लोगों के लिए करते हैं, यदि हमें यूट्यूब चैनल बढ़ाना है तो आप लोगों के साथ जुड़ना होगा, साथ ही साथ उसमें मेहनत भी हम लोगों को करनी होगी। तो बस आप लोग इसको शांति से देखते रहिएगा और आप लोगों को हर एक चीज़ देखो, आपने मैं बाप से बात करता रहा, उस सर ने हमारे लिए पूरा पूरा पेड़ जो है जिस प्रकार से उनको सेटलमेंट जमाते हैं, तो एक एकदम गोल दिखना चाहिए और एकदम कैंची चलाने का तरीका देखिए आप लोग तो किस प्रकार से कैंची चला रहे हैं और पकड़ने का तरीका, सिर्फ ये सब कुछ आप लोगों के लिए किया जा रहा है। ओके, तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखना है क्योंकि नाई के पास की और भी वीडियो हमारे लिए इसमें आगे ऐड की गई है, साथ ही साथ आप लोगों की बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, उसको आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर 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 देखिएगा। ये हमारे लिए इतना भी काट रहे हैं और आप लोगों के लिए जो है पानी देने का जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ, आगे जो आप लोगों को दिखाने वाले हैं किस प्रकार से ऊंचाई पर स्थित जो कलमों को सेट किया जाता है, तो आप लोगों ने टेबल ले लेनी है, सब चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर उपलब्ध होंगी, बस आप लोगों को किस प्रकार से यूज करना है ये आप लोगों को देखना है। ओके, तो ऊपर से भी आप लोगों को जो है पेड़ को सेट करके दिखा रहे हैं, एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करवा रहे हैं जिससे आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, और आगे मैं आप लोगों को पेड़ों से पानी संबंधित वीडियो भी बनाने वाला हूँ और भी गार्डनिंग में जितने भी काम होते हैं आप लोगों के लिए हर एक चीज़ का वीडियो लाने वाला हूँ, सो आप लोग इसको प्लीज़ कंटिन्यू देखते रहिए। अब आप लोग देखिएगा किस प्रकार से इन्होंने पेड़ को जो है एकदम आपके लिए एकदम गोल तरीके से काट दिया गया है, हर एक चीज़ आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो रही है। अब मैं आप लोगों को पानी वाला वीडियो की ओर लेकर के जाने वाला हूँ, एक बार आप लोगों को व्यू देखना है किस प्रकार से जो है काट रहे हैं, ये सब कुछ आपको दिखा दिया, पानी किस प्रकार से देना है पेड़ों में ये भी आपको दिखाने वाला हूँ। अब ये पानी वाला वीडियो आप लोग देखिएगा किस प्रकार से दे रहे हैं, ये हमको दिखा नहीं रहे लेकिन आप लोग इस प्रकार से जरूर देखना कि आप लोग पेड़ जो है पानी जो है पेड़ की सीधे जड़ पर नहीं डालना, ऊपर से डालना है, ये आप लोग दिखाना चाह रहे हैं। हालांकि थोड़ा इंस्ट्रूमेंट की कमी है फिर भी आप लोगों को लेकिन एक चीज़ हम क्लियर करवाने की जो कोशिश कर रहे हैं। सो आप लोग गार्डनिंग की भी वीडियो आप लोगों की कम्प्लीट होती है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा जो है सफाई वाला की और ले जाना चाहूँगा, और आप लोगों की बार बार का वीडियो लास्ट में ऐड किया गया है। आज आपके लिए RPF ट्रेडमैन की वीडियो लेकर के आया हूँ। आज हमारे साथ हैं सुमित मल्होत्रा जी, जो ऑलरेडी जो पहले से ही RPF ट्रेडमैन में सिलेक्टेड हैं। पहला जो पिछली बार में फेल हुआ था उसके बारे में सबसे पहले बनाना चाहूँगा, मैं फेल कैसे हो गया था। उन्होंने क्या है कि आटा जो गूंदने के लिए थोड़ा सा आटा इतना देते हैं वो लोग, उसके बाद हमें क्या होना आता है कुछ लोग सीधे गूंद देते हैं उसको, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम क्या है कि रोटी बनाने के लिए थोड़ा सा इतना आटा अलग कर लेते हैं,
मीन्स इतना आटा हम गूंदेंगे और इतना लगाने के लिए हमें रखा जाता है ना। तो इस बात को हमें ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना, यदि इस बात को ध्यान नहीं रखा हमने तो बहुत ही परेशानी हो जाएगी। ये मेरी गलतियाँ थी, मैं फेल हो चुका हूँ, लेकिन हमारे जो सुमित मल्होत्रा जी हैं वो भी यहीं पर उपस्थित हैं, मैं उनसे अभी आपको जो है अंदर वहाँ पर स्वीपर की वीडियो जो अभी उस पर कार्यरत हैं तो उनकी वीडियो मैं आप लोगों के लिए ऐड कर दूँगा। सबसे पहली जो सबसे बड़ी गलती होती है वो यही होती है आप लोगों के लिए आटा गूंदने की। तो आटा को किस प्रकार से गूंदते हैं आप लोग पूरा इसको देखते रहिए लास्ट तक, और आगे की वीडियो और टेस्ट कब होगा ये सब जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो इसको गूंदना शुरू करते हैं। इसको पहले ऐसे गड्ढे से आकार का बना लेते हैं, उसके बाद इसमें पानी हम डालते हैं। ओके, आटा गूंदना आप अपने घर पर ही सीख सकते हो आसानी से। मैं इसको गूंदना शुरू करता हूँ। आटा जितना ढीला होगा रोटियाँ उतनी मुलायम और फूलेंगी। यदि आपने आटे का काम कंप्लीट कर लिया, मीन्स यदि रोटी बना ली, तो आपका 60% ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है। मैं इसको बताता हूँ किस प्रकार से। देखिए, इस प्रकार से आपका आटा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये आप लोग देख सकते हो कट्टा फटा हुआ दिख रहा है, इसीलिए इसको एकदम ओके करने के लिए। इस प्रकार से भी यदि आप कहोगे कि हाँ जो आटा मर चुका है, लेकिन वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, इसमें थोड़ा गुम्मी और देना, जैसे एक जैसा जो कटा फटा दिख रहा है वो ना रहे। ओके, ये आप देख सकते हो सुमित जी ने हमें आटा गूंद कर दिखा दिया है। ये इसमें कोई भी आपको कटा फटा कहीं पर भी आटा नहीं दिख रहा होगा। ये इस प्रकार का आटा आप लोगों को गूंदना है। जिस प्रकार से आपने जो आटा पहले बचाया हुआ था उसको हम रखते हैं रोटी में लगाने के लिए। इस प्रकार से आप देख सकते हो जो आटा हमने बचाया था उसको हमने रख लिया है। अब हम बनाने वाले हैं रोटियां। रोटियां भी आपको देखना है किस प्रकार से बनानी है, क्योंकि हर चीज़ वो ऑब्जर्व करते हैं। सुमित जी हमारे साथ हैं, वो लगातार वीडियो बनाने में हमारी सहायता कर रहे हैं। ऑलरेडी RPF में वो जो आपका ट्रीटमेंट है उससे संबंधित पहले से ही उसी से भर्ती हुए हैं, तो उनके अनुभव को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो आपके साथ मौजूद हैं। ओके दोस्तों, अब हम रोटियां बनाने वाले हैं। आप लोगों को देखना है किस प्रकार से रोटियों को बेलना है। ओके, ये सब मटेरियल मैं आपको धीरे धीरे दिखाता जाऊंगा। अब मैं रोटी बेलने वाला हूं, तो आपको हर चीज़ एक एक स्टेप क्लियर करके देख लेना है, क्योंकि वो लोग आपको छोटी सी गलती पर बाहर निकाल देंगे। ये सुमित जी का सहयोग है कि आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। मैं आप सभी को एक बार और बोलना चाहूँगा सुमित जी की ओर से कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और आगे से ट्रेड टेस्ट से संबंधित कोई भी जानकारी होगी तो आप लोगों को सबसे पहले इसी चैनल पर अपडेट मिलेगा। ओके, तो आप लोग इसको शुरुआत करते हैं। अब आइए मैं रोटी बनाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले हमको छोटी सी जो लोई इस प्रकार से लेना है, मैं बताता हूँ, जो हमको पेड़ा जो लेना है इसको अपने इधर लोई भी कहते हैं, तो कुछ इस प्रकार का इतना छोटे साइज का लेना है, और इसको हाथ से मल लेना है, एकदम ही गोल कर लेना है। ओके, ये कुछ आप लोगों को इस प्रकार का दिखेगा। अब इसको आप आटे में लगाइएगा और इसका रोटियां आपको बनाना है। देखना है कितना छोटा और कितना पतला, अच्छे से अच्छा रोटी आप लोगों को बना के दिखाना है। रोटी यदि आपका फूलता है तो आप लोगों को कुछ नंबर एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, जो कि ट्रेड टेस्ट में आप लोगों के लिए एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है। पेपर तो दोस्तों निकल बहुत ही मुश्किल में निकलता है, एक बार निकल गया तो उस चांस को हमें गंवाना नहीं चाहिए। पूरी मेहनत को कीजिए, मैं आपको हर एक चीज़ स्वीपर कटर और नाई वाला सब कुछ मैं आप लोगों को लेकर के आने वाला हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा हमको भी सपोर्ट कीजिए। आप लोग देख सकते हो कितना गोल और सही आकार का रोटी आप लोगों के लिए हमने बनाकर दिखाया है, और बिल्कुल ही पतला ये रोटी होना चाहिए। ओके, और इसको हम तवे पर डालते हैं इस प्रकार से। ये लोग आपके लिए डाल दिया गया, एक और से हम इसको डालते हैं। सेकने का तरीका भी आप लोगों को हर चीज़ वो ऑफिशियली देखते हैं, क्योंकि वहाँ आप लोग टेस्ट टेस्ट के लिए काम करने वाले हो, ऑफिसर्स ही होते हैं। ओके, तो इसको पूरा देखते रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं सारी वीडियो स्वीपर की भी ऐड कर रखी है, पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, इसको सेकते हैं अब इस प्रकार से, एक तरफ से ऐसा सेक जाता है, इस प्रकार इसको मोड़ के इस प्रकार से इधर की ओर से भी सेकते हैं। ओके, आइए इसको हम सेकते हैं। सेकने का तरीका आप देखोगे, इसे इस प्रकार से उठाते हैं और हमें सबसे पहले गैस पर पलट के ऊपर डाल देना है। अब यदि रोटी फूलती है तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, और ये आप लोग देख सकते हो रोटी एकदम ही आप लोगों के सामने फूली हुई है, तो बस इसी प्रकार के आप लोगों को नंबर मिल लेंगे। ओके, आगे एक और मैं आपको बना के दिखाता हूँ चपाती। एक और रोटी मैं आपको सिखवा कर दिखवाता हूँ, ये आप लोगों के लिए द्वारा डाल दी गई है। ओके, और इसको सेक कीजिएगा, लोई आपको उसी साइज की लेनी है। ये सब चीज़ें आप लोगों की ध्यान दी जाती हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रेड टेस्ट RPF में सबसे कठिन होता है, क्योंकि सिर्फ इसी बात के 40 नंबर मिलते हैं कि आप लोग सारा काम अच्छे से कर सकते हो कि नहीं। इसको अब पलट दीजिएगा,
आप लोगों की एकदम फूली हुई रोटी देना है, इससे आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और बताना चाहूँगा आगे ट्रेड टेस्ट की डेट कब होगी और वहाँ की भी ओरिजिनल्स वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवाऊँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्वीपर की भी वीडियो इसी में ऐड कर रखी है, आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसको सेकते हैं, देखिएगा रोटी किस प्रकार से फूलती है। आप लोगों के लिए बस इसी रोटी फूलने के ही आप लोगों के वहाँ पर नंबर हैं, आप लोग देख सकते हो एकदम ही। बस आप लोगों की रोटी एकदम नरम होना चाहिए, रोटा यदि आप आटा ढीला मारोगे तो आप लोगों का रोटी एकदम ही नरम होगा। आगे आप लोगों के लिए जो स्वीपर की वीडियो मैं लेकर के आने वाला हूँ तो देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक पूरा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसी के साथ ही आप लोगों को सब्जी भी कटवाई जाती है, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो में ऐड करने वाला हूँ। एक हमसे जो RPF के सुमित जी हैं उनको उनका मतलब पूरा संपर्क है, तो मैं आपको पूरा आज घुमाने वाला हूँ, वो आपको एक एक चीज़ क्लियर कर देंगे। दोस्तों सब्जी काटना भी RPF ट्रेड टेस्ट का एक हिस्सा है, वो आप लोगों को बताएंगे सब्जियाँ और सब्जियाँ आपको दे देंगे। मोस्ट ऑफ जो आलू कटवाते हैं तो इस कारण मैं आलू लेकर के आया हूँ। आपको आलू प्याज और एक हरी सब्जी मेरे पास है तो मैं ये आपको कटवा कर दिखवाता हूँ सुमित जी से। तो सुमित जी मैं आपसे कहना चाहूँगा थोड़ा इसको मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि सुमित जी जो है हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो क्या है कि आप लोगों के सामने थोड़ा आना नहीं चाहते क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है, इस कारण से वो नहीं आ सकते। लेकिन मैं उनका कटा हुआ हर एक वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ, बस आप अपना प्यार उनके लिए बनाए रखिए। उनको धन्यवाद जरूर कहना कमेंट बॉक्स में, जिससे क्या है उन्हें थोड़ा अच्छा लगे। भले ही मेरे को कुछ नहीं चाहिए लेकिन आप एक हिट लाइक का एक बटन जरूर दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे से ट्रेड टेस्ट के बारे में कोई भी जानकारी होगी तो आप लोगों को मिल सके। मैं इनसे शुरुआत करवाता हूँ, सबसे पहले हम आलू से शुरुआत करते हैं। तो आलू को किस प्रकार से क्या करना होता है, उन्होंने कहा है कि उनके अनुसार जब उनका ट्रेड टेस्ट हुआ था, लोगों मैं उनके पास लेकर के चलता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करते हैं, आलू को छीला जाता है। तो आलू को छीलने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से छीला जाता है, मैं ये बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले क्या करेंगे, आलू को छीलना है तो हमें पकड़ना वकड़ना सब कुछ वो दिखा देंगे, तो इस प्रकार से हम पकड़ेंगे। ये लोग हर एक चीज का उसमें आप लोगों से ध्यान रखा जाएगा। ओके मैं आप लोगों को सारी चीजें उपलब्ध करवाऊंगा चैनल पर, और आज या कल मैं आप लोगों के लिए जो मार्केटिंग जो मसाले वाला वीडियो है वो भी आप लोगों को जो है मार्केट से उपलब्ध करवाऊंगा। कल मैंने एक वीडियो उपलब्ध करवाया था, आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा रुचिपूर्ण तरीके से मैं आज आप लोगों के लिए बाजार जाने वाला हूँ, तो वहाँ से लेकर के आऊँगा। ओके इसको पूरा छीलते हैं जल्दी से जल्दी। तो उसका छीलने का तरीका कुछ इस प्रकार होना चाहिए, ये 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 यहाँ पर रखा हुआ होना चाहिए और इस प्रकार से। ओके और इस प्रकार से हम इसको छील देते हैं। ओके अब बात करते हैं आलूओं को काटने की। तो उनका काटने का भी तरीका कुछ ऐसा रहता है कि इनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब वो आप इस प्रकार से काटोगे तो उनको एकदम ऐसा घरेलू जैसा फील होता है, इस कारण से इस प्रकार से नहीं काटना है। इसको इस प्रकार से रखना है और इस प्रकार से कुछ काटना है आप लोगों को। ओके ऐसे पकड़ के और ऐसे ऐसे जब हम कट करते हैं सब्जियों को और फिर इसे हम इस प्रकार से बीच में से ले लेते हैं। ओके ये आप लोगों के लिए ले लिया और फिर हम इसे छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं, ऐसा उनका मानना होता है कि छोटे छोटे पीसेस में सब्जी अच्छी बनती है। तो सब कुछ वही करके बताऊंगा जो आप लोगों का इम्पोर्टेंट वहां पर बताया जाता है। ओके और कुछ इस प्रकार से आप देखिएगा पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ। इसको पूरा देखिएगा, इस प्रकार से हम छोटे छोटे पीसेस के कर लेते हैं। ज़्यादा बारीक भी नहीं होना चाहिए, मीन्स एक बाइट में एक तो आपका आना ही चाहिए। ओके इसको भी काट लेते हैं इस प्रकार से। मैंने अभी आपको बताया रखे हुए रूप में भी काट सकते हैं, ऐसे भी हम इसको काट सकते हैं। ओके ये रहा आप लोगों का आलू कटिंग। आप लोगों को हर सब कुछ मैं आपको आज करवा के दिखाने वाला हूँ। सुमित जी हमारे अनुभवी हैं, इस कारण से वो क्या वीडियो में आपको बता चुका हूँ नहीं आ सकते, रीजन है उसका। नहीं तो ये उसूलों के रेलवे के उसूलों के खिलाफ है कि यदि कोई जानकारी लीक होती है तो हो सकता है उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाए, इस कारण से सिर्फ वो हमको बता रहे हैं, हम आपके सामने ये सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके पहले मैं उनसे सीखता हूँ फिर उसके बाद हाल ही आप लोगों को सिखाता हूँ। उन्होंने मुझे फ्रीज से दो तुरैया निकाल के दे दी हैं, तो उनको भी मैं आपके सामने काट के दिखा देता हूँ। जरूर देखिएगा पूरा पूरा। पहले इनको उन्होंने बताया कि इस प्रकार से दो अलग भागों में तोड़ लेती हैं, यहाँ से काट दिया और यहाँ से काट दिया। अब जो बीच वाला हिस्सा बचा हुआ होता है इसको भी हम दोनों को एक साथ ही बताते हैं आपको। ये ले लिया और ये ले लिया, अब इसको हम छीलते हैं।
इसको भी छीलेंगे, जीरो हल्का हल्का छीलते हैं इसको, ज़्यादा हम यदि अंदर से नहीं छीलते। उन्होंने कहा कि कुछ ऑफिसर्स ऐसा पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो इसको पूरा देखिएगा, इसको हम इस प्रकार से काटते हैं। जीरो छील लिया, आप लोगों के सामने ही छीलता हूँ, इसको पूरा छील लेता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए। ये मेरे द्वारा छील ली गई हैं, अब इनको काटने का, यदि आपकी तोरी छोटी है तो आप लोगों को इस प्रकार से ही सीधा गोल गोल पीस में और इस प्रकार से आप लोगों को काटना है। ये ले लिया आपने, ये ओके, और फिर इसको इस प्रकार से हम काट देते हैं दो दो छोटे छोटे पीस हमें, क्योंकि वहाँ कुछ कुक्स जो हैं स्पेशलिस्ट रहते हैं, वही इन सब्जियों को चेक करते हैं। ओके, आगे इसको भी हम दो हिस्सों में ले लेंगे, ये ले लिया हमने, और फिर इसको अलग करके, यदि ये बड़ा है तो आपको वहीं ये सब देखने को मिलेगा, और वो आपको रीजन बाद में बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, जो लोग भर्ती हो जाते हैं उन लोगों को भी बताते हैं, सब कुछ आप लोगों को ट्रेनिंग के दौरान और सब कुछ बताया जाता है, इसीलिए मैं सुमित जी जो अनुभवी हैं उन्हीं के साथ ही सब कुछ काम कर रहा हूँ। ओके, तो ये आप लोगों को अनुभव के आधार पर ये कटिंग दिखाई जा रही है, बिल्कुल इस प्रकार से ये आपका रहेगा सब कुछ। ओके, मैं और आगे, अब आगे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा इनके द्वारा जो है प्याज किस प्रकार से काटी जाती है, तो आप लोग पूरा फोकस कीजिए प्याज पर। ओके, प्याज को सबसे पहले हम यहाँ से काटते हैं, ये लो, क्योंकि वहाँ पर आपसे हर एक चीज़ जो है एकदम इस प्रकार से पूछी जाती है कि आप वहाँ एकदम अनुभवी तरीके से कर रहे हो, तो थोड़ा यदि वहाँ टेस्ट टेस्ट देने जाओ तो उससे पहले आप क्या करना, थोड़ा सा एक दो दिन घर पर खाना वाना बना लेना, तो जिससे आप लोगों का क्या है अनुभव थोड़ा अच्छा हो जाएगा, उनको लगना चाहिए कि अनुभवी ये है, और इस प्रकार से फ्रो इस प्रकार से रखना है आप लोगों को, और ऐसे लगना चाहिए कि आप एकदम ऑफिशियल कुक कर रहे हो। ओके, एक दो दिन घर तक करके जाना हो, हसिया वसिया नहीं मिलेगा आपको, चाकू ही वहां दिया जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपने काट लिया, ये लो ये काट लिया गया, बहुत छोटे छोटे पीस आप लोगों को कर देना है इसके, सब कुछ मैं आप लोगों के लिए लेकर गया हूँ, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, ये हो गया आप लोगों का, अब इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, मैं मानता हूँ ऐसा। इसके बाद आप लोगों के लिए हरी मिर्च, हरी मिर्च काटना मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये लिए आप लोगों इस प्रकार से आप लोगों छोटे छोटे उसके पीस कर लेने हैं, पहले धोना जरूर है सब कुछ, वो यदि आपको गंदा देते हैं या बैग में से निकाल के देते हैं तो सब कुछ इस प्रकार से दिखाना है कि एकदम उनको भा जाए, कोई भी कहीं तक कोई परेशानी उनको नहीं आना चाहिए। ओके, सब कुछ आपको एकदम धो के एकदम ओके करके ले आना, जैसे इस प्रकार से ये लगा हुआ है तो ये सब कुछ आपका हटा हुआ होना चाहिए, कोई भी गलती आप लोग वहाँ नहीं करोगे। ओके, सुमित जी के जो है अनुदेशन में ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि वो नहीं आ सकते, उन्होंने बताया है कि ये उनके जो है डिपार्टमेंट के खिलाफ है, यदि वो ऐसा करते हैं तो उनको हो सकता है कि एक्शन हो जाए कोई, इसीलिए हम भी नहीं चाहते कि किसी का कोई भविष्य खतरे में हो, इसलिए हम आपको खुद ये सब कुछ करके दिखा रहे हैं। ओके, सब कुछ एकदम ऐसा ही होने वाला है आपको विश्वास, वहाँ आप सब्जी बनाने की प्रक्रिया में मैं आपको सम्मिलित करना चाहूँगा। सबसे पहले जो आप जीरा लेते हो, मैं आपको लेकर के चलता हूँ सीधा किचन की ओर। अब मैं आपको सब्जी की प्रोसेस पर ले चलता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा तेल को पहले हम इस प्रकार कढ़ाई में डालते हैं, थोड़ा सा उबलने लगे तो उसमें हम क्या डालते हैं, आपने देखा होगा जीरा डालते हैं, तो जीरा कुछ इस मात्रा में होना चाहिए आपका, थोड़ा लेवल हर चीज़ का क्वांटिटी आपका पहले से फिक्स होना चाहिए। आप लोग देख सकते हो जीरा भुन चुका है, जीरा भुनने के बाद आप लोगों को प्याज इसमें डालना है। ये सब चीज़ें आपसे वहाँ करवाई जाती हैं, इस कारण से मैं सुमित जी के अनुभव से आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ। ये जब तक आपका प्याज सिकता है, जब तक आप लोगों को मसाले तैयार करना है, इस प्रकार से आप लोगों को कटोरी लेना है, उसमें आप लोगों का धना और आप लोग जो कोई भी मसाले उसमें यूज करते हो, आप लोगों को सभी मसालों के नाम याद होना चाहिए। मैंने आपको कल भी एक वीडियो के माध्यम से दिया था, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन को देख लेना है या मैं आपको कमेंट सेशन में डाल दूंगा। आपको हल्दी ले लेनी है, आपको जो भी मिर्ची आप डालते हो वो भी ले लेनी है, और आप लोगों को जितना भी आप लोग नमक डालते हो इसमें आप लोगों को ले लेना है। ओके,
और इसमें क्या है, थोड़ा सा पानी आप लोगों को डाल देना है, जिससे क्या है ये इसमें गल जाए। ओके, जब तक आप लोग अपना मसाला देखते हैं, मसाला यदि भुन जाए तो आप लोगों को ये इस प्रकार का ही सूखा हुआ मसाला इसमें डाल देना है, जिससे क्या यदि प्याज आपका भुन जाता है तो आप लोगों का मसाला भी सेकना होगा। तो इसमें आप लोग अपने मसाले को डाल दीजिएगा, आप लोग देख सकते हो प्याज अच्छे से भुन चुका है, आप लोगों ने इसमें अपना मसाला भी डाल दिया। ओके, इस प्रकार से इसको मिक्स कर देना है। हर एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूँ मैं। ओके, और मसाले को जब तक भूनना है जब तक आपका तेल और मसाला दोनों अलग अलग नहीं हो जाता, ये इस प्रकार से आप लोगों को देना है, जिससे क्या है वो उसमें हीट मिलती रहे। दोस्तों, इन सारी प्रक्रियाओं में से आपसे कोई भी एक काम करवाया जाएगा, आप ये नहीं सोचना कि रोटी भी बनवाई जाएगी, सब्जी भी बनवाई जाएगी, झाड़ू भी लगवाई जाएगी, कोई भी एक काम करवाया जाएगा आप लोगों से, जिसको आपने प्रेफर किया होगा आपने फिल करते समय। ओके, तो ये आप लोगों के सामने थोड़ा मैं बनावा रहा हूँ, आप लोगों को सब्जी भी सब कुछ एक एक चीज़ क्लियर करवाऊँगा आज आप लोगों को, जैसे आप लोग पेपर तो निकल गया है, ट्रेड टेस्ट में फैल ना हो जाएं। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो ये मसाला जो है इसे अलग हो चुका है, तेल इसमें से अलग हो चुका है। अब इस प्रकार हम इसमें थोड़ा सा अपना सब्जी जो कुछ भी हम बना रहे हैं इसमें अपना आसानी से डाल सकते हैं। मैं आप सभी को यदि सलाद की बारी आती है तो आप लोगों से टमाटर भी कटवाए जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को इस प्रकार से रखना है और बहुत ही बारीकी से आप लोगों को काटना है। इस प्रकार से उन्होंने मुझे बताया, ये अंगूठा रख करके काटते हैं सुमित जी ने, इस प्रकार से आप लोगों को काटना है। और इस प्रकार से आप लोग सलाद को बिछा दीजिए। ओके, और इसको ये लगा दिया, पल्ला आप लोगों का दिया गया है। इसको भी आप लोग इस प्रकार से लगा दीजिए। यही आपका पूरा पूरा प्रोसेस रहेगा, सेम का सेम आप लोगों को कुछ भी परिवर्तित देखने को नहीं मिलेगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा, ट्रेड टेस्ट में जाने से पहले अपनी सारे काम एक दो दिन घर पर जरूर करके देख लेना, जिससे आप लोगों को ट्रेड टेस्ट में बहुत ही आसानी होगी। ओके, या आप लोगों का सलाद भी आप लोगों के लिए सामने करके तैयार हो चुका है। दोस्तों, यदि आप लोग वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, अपने और भी साथियों को बताना। जब आप ट्रेड टेस्ट देने के लिए जाओ, फिजिकल देने के लिए जाओ, तो हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताना, क्योंकि आगे से जो कोई भी आज RPF ट्रेड टेस्ट में जो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ, तो उसमें सफाई वाला जो रहता है तो उसमें आपको एक एक स्टेप देखो आप क्लियर देख सकते हो। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो सुमित जी की सहायता से आज हमने ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो आप इसमें देखिएगा कि कितना इस तरीके से आप लोगों झड़े लगाना है, कि एक एक बार आप लोगों को वापस एक बार पीछे ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि इससे क्या है, और जहाँ झाड़ते हो आप इस प्रकार से हिलाते रहिए, ये सुमित जी कर रहे हैं। चूँकि ये आपके कैमरे में नहीं आ सकते, मैं आपको बता चुका हूँ उनकी ये जो है जिसमें ये काम करते हैं, मीन्स आरपीएफ ट्रेडमैन से ऑलरेडी हैं, तो इसमें आपकी क्या है कि ये कंडीशंस के ख़िलाफ़ है। ओके, तो इसमें आप लोग पूरा देखिएगा, सुमित जी कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को देखना है। पकड़ने का तरीका ये आपको दिखा रहे हैं, पकड़ने का तरीका किस प्रकार से इसको पकड़ना है, मुट्ठी बंद हाथों में, और इस प्रकार से झाड़ते जाना है। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक स्टेप, क्योंकि झाड़ू में भी आपको परेशानी आ सकती है, क्योंकि कहीं वो पानी भरे हुए में लगवाते हैं, जिससे क्या है आप लोगों का एक एक तरकीब पता लग जाए। कहीं सीढ़ियों पर लगवाते हैं, तो मैं आपको हर जगह से एक एक चीज़ क्लियर करवाना चाहूँगा, जिससे आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। ट्रेड टेस्ट की सारी वीडियोज़ आप लोगों को और सारी अपडेटेशन इसी चैनल पर उपलब्ध होगी, सो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और सुमित जी की सहायता जो आप लोगों को निरंतर दी जा रही है, तो इसका लिए आप लोगों को एक कमेंट में धन्यवाद ज़रूर लिख देना, जिससे उनका थोड़ा हृदय प्रसन्न हो। तो आप लोग इतना जो मेहनत कर रहे हैं, और कभी झाड़ू लगाते हैं, खैर वो प्रतिवृत्तियाँ लगाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए आज पहली बार लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो उनका काम है, आप पानी वाली जगह पर लेकर के चलते हैं, ये आप लोगों का पानी से कितना सहारे से मीन्स पानी आप लोगों का उस कचड़े में मिलना नहीं चाहिए, और इस प्रकार से आप लोगों को साइड से निकालते हुए ले जाना है। ओके, हर एक चीज़ वो आप लोगों को क्लियर करवा रहे हैं, बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इनके लिए थोड़ा सा प्यार ज़रूर बनाए रखिएगा। आगे मैं आप लोगों से इनसे निवेदन करता हूँ कि जो सीढ़ियों की बात है, सीढ़ियों पर भी वो परेशान करते हैं, तो थोड़ा इनको सीढ़ियों की ओर भी ले जाना चाहूँगा। थोड़ा उसमें जिससे निवेदन है, थोड़ा सीढ़ियों की ओर आप चलिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, और वो हमारी बात नहीं टालेंगे, क्योंकि जैसे तैसे मैंने उनको कन्वेंस किया है, सिर्फ आप ही लोगों के लिए ये सीढ़ियाँ हैं, आप लोग देख सकते हो सीढ़ियों का भी आप लोगों के लिए किस प्रकार से झाड़ना है, क्योंकि एक एक किनोर वो क्या एकदम काम सारे तरकीब से करवाते हैं। ओके, इसमें आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आने देते। आप लोग थोड़ा एक और थोड़ा पास में करके दिखाइएगा, और ये
इस प्रकार से साइड से जब हम लगाते हैं तो भी प्रॉब्लम वो क्रिएट करते हैं। आपको एक एक चीज़ घर पे 2-5 दिन का रिहर्सल करके जाना है, जिससे आप लोग वहाँ पे कुछ भी नया ना लगे। ओके, और ये सभी प्रकार की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। बस आप सभी से निवेदन इतना ही है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, और इस प्रकार से आप इस वीडियो कंटिन्यू पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। गार्डनिंग की वीडियो और नाई की वीडियो भी जल्दी से आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दी जाएंगी। ओके, उसको आप लोग देखिएगा थोड़ा सा और ये लगातार आप लोगों के लिए दिखाई जा रही हैं, क्योंकि इसमें उनको आवश्यकता है। हर एक चीज़ एक एक क्लियरिटी आप लोगों को दिखाया जा रहा है। ये सीढ़ियों को पूरा साफ़ कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसको वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को कोई भी चीज़ कट करना नहीं चाहता। किस प्रकार से ऊपरी स्टेप, किस प्रकार से निचले, सब कुछ आप लोगों को दिखाया जाएगा। ओके, और आप लोगों को इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि आगे की वीडियो को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को पुनः एक बार फिर से विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं वीडियो को शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आप लोगों को जो दिया गया होगा आरपीएफ ट्रेडमैन में, मैंने अपने जो है चैनल को आप लोगों को मैसेज बॉक्स चेक कर लेना है। उसमें इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं। यदि आपको चैनल पर विजिट करने से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और साथ ही साथ आपका जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप लोगों के लिए तीनों की तीनों वीडियो मिल जाएंगी। उसमें आप लोगों को सभी वीडियो को देख लेना, जिससे आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल महसूस रहेगा। आइए सफाई वाला की वीडियो शुरू करते हैं। देखो, हमारे पास सिर्फ 3 प्रकार के झाड़ू यहाँ पर दिए गए हैं, तो तीनों प्रकार के झाड़ू किस प्रकार से यूज वो करवाते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। ये झाड़ू आप लोग जानते हो गए, इनका भी यूज करवा रहे हैं। ये जो जाल हम निकालते हैं उनके लिए यूज़ करवा रहे हैं। साथ ही साथ इसका जो प्रयोग क्या करवाते हैं और इस झाड़ू का किस प्रकार से प्रयोग करवाते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले आप भावनाओं में खो, उससे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है, मैं फिर से आप लोगों से बोलना चाहूँगा। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस वाले झाड़ू के बारे में। इस वाले झाड़ू को जो है विभिन्न प्रकार के झाड़ू को लेकर के वो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो मैं इसका आपको सीधा यूज़ करके बताता हूँ किस प्रकार से वो लोग यूज़ करते हैं। और हमारे अनुभवी सुमित जी हैं, उनकी सहायता से मैं इसको आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको यदि पकड़ने की यदि अपन बात की जाए तो ऑफिशियल तरीके से इस प्रकार से देखते हैं। इस प्रकार से आपने देख लिया मुट्ठी बंद, और यूज़ करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। इस प्रकार से आप नॉर्मली और सिर्फ आप लोगों को इस प्रकार से लगाते हैं ना, इस प्रकार से मीन्स यदि आपने लगा दिया उसके बाद आप लोगों को इस प्रकार से रखना भी है। ओके, मीन्स इस प्रकार से बार बार उस जगह से आप लोगों को निकाल के ले जाना है। आप लोग देख सकते हो, और आप देख सकते हो आपकी वीडियो के लिए हमें भी कितना मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है। सो प्लीज़ आगे की वीडियो के लिए, और भी मैं जो है आपकी माली की वीडियो भी इसी में ऐड कर रखी है, तो उसमें आप देख सकते हो माली के लिए हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से इसका यूज़ वो करवा रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर करना। अब आगे मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को इस वाले झाड़ू के बारे में। सीकों वाला जो झाड़ू है इसका प्रयोग वो कचरे के लिए यदि आपको दें भी, मीन्स यदि वो तीनों प्रकार के झाड़ू रखेंगे, आपसे बोलते हैं झाड़ू लगाना है। मेरा अनुभव, ये मेरे साथ ही जो लोग गए हैं उन लोगों ने मुझे बताया, तो झाड़ू आपको इस प्रकार से इस वाले के यदि वो प्रयोग करने का है, पर्सनली यही वाला रखा हो तो सिर्फ आपको यदि इससे झाड़ू लगाने को है, इसका मोस्ट ऑफ प्रयोग वो पानी के लिए करवाते हैं। मीन्स पानी यदि कहीं भरा है वो बताते नहीं हैं आपको, तीनों झाड़ू रख देंगे और ये पानी भरा हुआ है इसको निकाल लो, तो ये आपको ये वाला झाड़ू उठाना है। कहीं पर भी गड्ढे में हल्का सा ये पानी भरा हो तो आपको सीख वाला झाड़ू उठाना है। और इस प्रकार से यदि वो कचड़ा ही हो, एक ही झाड़ू पड़ा हो, तो इस प्रकार से इससे कहें तो इसको सीधा मुट्ठी बंद इस प्रकार से लेना और सीधा इस प्रकार सपाटे हुए लगाना है। क्योंकि वहाँ पर जो हमारे साथ ही लोग गए उनसे मैं बात कर लेता हूँ, उसी के बाद आप लोगों के लिए कोई वीडियो तैयार करता हूँ। फालतू का कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। ओके, और इसी के साथ मैं इसको एक और शुरुआत बताना चाहूँगा कि इस प्रकार से एक जो मेहतर वाला जो झाड़ू आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके जो झाड़ू मेरे पास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि आपको उसको पकड़ना कैसे है। मैं आपको एक डंडे की सहायता से बताता हूँ कि नीचे तो उसमें झाड़ू लगा रहेगा, लेकिन आप लोगों को इसको पकड़ना कैसे है। पकड़ना इस प्रकार से है कि ये यदि आपका झाड़ू है तो यहाँ पर आपको अपना राइट हैंड रखना है, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड रखना है, और कभी आप जमादार को झाड़ू लगाते हुए देखना तो क्या इस प्रकार के एंगल से लगाते हैं, क्योंकि उनका झाड़ू पहले से ही थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। ओके, तिरछा हुआ रहता है, तो इस प्रकार से आप लोगों को उनका नक कॉपी करने की कोशिश करना है। थोड़ा सा आपका ट्रेड टेस्ट है दोस्तों, पेपर एक बार निकलता है जैसे तैसे भी होता है। हम आप लोगों के लिए कितना मेहनत करते हैं, ये रोज़ झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो झाड़ू भी लगा रहे हैं, सब कुछ आपको करके दिखाते हैं। ओके, इसी के साथ आप लोगों का एक और जो झाड़ू रहता है जाल वाला, उसकी ओर लेकर के चलते हैं। आपका जाल वाला झाड़ू ये रहा, इस झाड़ू को आप लोग देख सकते हो नॉर्मली। अब कुछ हमारे बंधु क्या है जानते नहीं है कि इससे जाल निकाले जाते हैं, वो तो इससे भी सफाई करने को भड़ जाएंगे। यदि उनका शुरुआत हुई तो वो तो लो इसी से झाड़ू लगा देंगे, तो क्या आपके नंबर कट सकते हैं।
इसका मैं शुरुआत करके दिखाता हूँ। जैसे आप लोगों को एक जगह ले चलता हूँ, कहीं जाल लगा हो, नॉर्मली जो भी हो, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसका यूज करके भी, क्योंकि बताना तो आपको पड़ेगा ही। मैं आपको लेकर के चलता हूँ थोड़ा सा। ये लहा, ये जाल लगा हुआ है हमारे पास भी, तो इस प्रकार से ये झाड़ू जो आपका दिया गया है, इसको थोड़ा सा हमें खोल लेना है। इस प्रकार से यहाँ से खुलता है, ये बड़ा होता है, आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से इसको बड़ा कर लेना है, क्योंकि नहीं तो वो समझेंगे, क्योंकि यदि आपकी हाइट है, आप अपने इसे हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ओके। जिससे क्या उनको समझ में आ जाए कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा आता है। ये खुल गया, और सभी के सभी झाड़ू खुलते हैं, जो भी इस प्रकार के झाड़ू होते हैं सारे के सारे खुलते हैं, और फिर आप नॉर्मली इसे यूज करके देख सकते हो। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका इस प्रकार से, और फिर इसको यदि ये है तो आप लोगों को ऐसे ले करके जाना है, एक ही बार में लेकर के जाना है, जिससे एकदम क्लियर से उनको लगे, और क्या है उनके सामने कुछ कचरा नहीं फैलना चाहिए। एक ही बार में लेकर के जाना है, इस प्रकार से लेकर के जाना है। तो आप लोगों को जी आ गया, आप लोगों का जी आ गया, तो इसको आप लोगों का है सीधा दो तीन, और फिर ऐसा से फिर इस प्रकार से फिर से ले आना है। तो और यदि सीधी छत की झाड़ू की बात करें तो आप लोगों को इस प्रकार से करना है सीधा, जिससे क्या है कि आप लोगों को कचरा नहीं फैलता है और सफाई भी हो जाती है। इस प्रकार से ये रो, आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आप भी थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और वीडियो को फिर से बोलना है, पूरा लास्ट तक देखना है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं इसका भी वीडियो मैं जल्द से जल्द तैयार कर रहा हूं, क्योंकि इसको तैयार करने का क्या है कि मैं आपको झूठे तो कोई क्वेश्चन दे नहीं सकता। तो जितने भी हमारे भाई लोग जा रहे हैं वो मुझे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करता हूं। तो तीन प्रकार के झाड़ू मैंने आपको उपयोग करके बता दिए हैं। अब आगे मैं बाज़ार जाने वाला हूं आप लोगों के लिए, तो वहां से क्या लेकर के आने वाला हूं, मसाला वाला जो वीडियो, वहां पर क्या है आप लोगों से जो बार्टर कैरियर वालों के लिए भी पूरा वीडियो मेरे उसमें डला हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक और मुझे एडिटिंग करना था, तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को करके दिखा दिया है। क्या जो बार्टर कैरियर के लोग थे, जो बार्टर कैरियर के जो हमारे व्यक्ति थे, उनसे क्या मसाले वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है, तो मसाले की मैं एक वीडियो बना लिया हूं, तो उसको मैं आगे ऐड करता हूं, उसको आसानी से आप लोगों को देख लेना है, क्योंकि आप लोगों से ज़रूरी नहीं सफाई वाला है तो उसे सिर्फ झाड़ू ही लगवाएंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। सो ट्रेड टेस्ट के लिए एकदम कसमर कस के ही जाना है, ओके। ये लो आगे आपके लिए जो मसाले वाला वीडियो ऐड कर दिया गया है, इसको आप लोगों को पूरा तसल्ली से देखना है। उसके बाद आप लोगों के लिए गार्डनिंग का इसी में ऐड कर दिया जाएगा, और नाई का वीडियो भी आप लोगों के लिए इसी में ऐड कर दिया जाएगा। और भी वीडियो आप लोगों के लिए दिए गए हैं, उनको आसानी से देखना है, और सब कुछ हम आप लोगों के लिए मेहनत करने के बाद ही बनाते हैं, इसीलिए आप लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। आगे मैं आप लोगों के लिए और भी इसमें ऐड कर रहा हूँ, पूरा वीडियो आप लोगों को देख लेना है। और इस वीडियो को भी थोड़ा लंबा हो गया है, ये आपका 20 से 30 मिनट का होगा यदि हम इसमें सारे पार्ट जोड़ देंगे। इससे पहले का एक 20 मिनट का वीडियो, इसको भी आप लोगों को पूरा देख लेना है, और क्वेश्चंस का वीडियो जल्द से जल्द आएगा, सो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सफाई वाला में थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए और रह गया था, जिस कारण से मैंने इसको ऐड कर दिया है दोस्तों, कि यदि वो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि जैसे सामने से हवा चल रही है, मैं आपको थोड़ा सा मेरे क्या है एकदम से ही ध्यान आ गया, और ये देखो अब मैं थोड़ा सा हवा इधर से चल रही है, देखना ये मैं यदि इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये थोड़ा सा पीछे को लौट रहा है, मीन्स हवा चल रही है अभी। तो हवा यदि चल रही हो तो आप लोगों को क्या करना है, तो जिस दिशा में हवा चल रही है ना दोस्तों, उसी दिशा में उसको इकट्ठा कर लें। जैसे इधर को हवा चल रही है अंदर को, तो मैं सारे के सारे जो कचरा है इस प्रकार को इसको अंदर की ओर ही ले जाऊंगा, क्योंकि अंदर की ओर ही ले जाऊंगा, तो हवा की दिशा में विपरीत दिशा में यदि आप लगाओगे तो लगेगा नहीं। इस कारण से आप लोगों को क्या है इसी के अंदर ही इसको जोड़ लेना है, ओके। तो इसमें आपको दिखाता हूँ, हाल ही मुझे ध्यान आ गया तो मैंने आपको ऐड करवा दिया, और साथ ही साथ आपका प्रकृति भी सही संग दे रही है, तो इसको अंदर की ओर ले आना है। ये रूप इसको हवा की, अब इधर कोई जा रहा है, इधर कोई उड़ रहा था, तो इधर को इसको इकट्ठा कर लिया, हवा की विपरीत दिशा में ले जाओगे तो होना नहीं है। तो इस प्रकार की बातों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है वहां पर, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोगों को वहां पर छोटी से छोटी चीज़ आप लोगों को जो है फेल करवा सकती है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया, बस अब इसको आसानी से आप फेंक सकते हो। अगले एक बार के अब आगे आप लोगों को वीडियो में देखना है, आप लोगों को कटिंग भी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, हर एक चीज़ एकदम शॉर्ट ऑफ शॉर्ट आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। तो ये हमारे जो नाई हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग एक एक स्टेप आप लोगों को क्लियर तरीके से देखना है, किस तरीके से बाल कटवाने की वीडियो है, किस तरीके से आप लोगों को जो मैंने अभी दिखाया था फेसियल की, और जो फेस क्लीनिंग जो हमारे बाल होते हैं उनको हटाने की, हर एक प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। तो आप लोगों को एकदम शांत पूर्वक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो इसमें आप लोग बाल किस प्रकार से काटे जाते हैं, अब मैं आपको एक एक स्टेप क्लियर करवाने वाला हूं। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखो किस प्रकार से बाल काटने से पहले हम बालों को पानी छिड़क कर जो है सेट करते हैं, उसके बाद इन्होंने क्या है कैंची जो है, हर एक चीज़ में वही करवा रहा हूँ जो सुमित जी कह रहे हैं।
सुमति जी ने ही हमें सब कुछ बताया है। सबसे पहले वो सेट करवाते हैं, तो पीछे से बाल सेट करवाते हैं, जैसे कि हमारी गर्दन के नीचे से उसको शुरुआत करवाते हैं। कोई भी चीज़ आप लोगों के लिए जो है बकवास नहीं है, हर एक चीज़ के लिए हमारी टीम मेहनत कर रही है। तो आप लोगों को बस थोड़ा इन लोगों के लिए आभार जरूर प्रकट करना है, क्योंकि इतना मेहनत से हम लोग कहीं कहीं जाते हैं, आप लोगों के लिए समय व्यतीत करते हैं। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और किस प्रकार से पीछे के बाल काटे जाते हैं ये हर एक चीज़ आप लोगों को, आप लोग वीडियो में तसल्ली से देख सकते हो। इसी के लिए हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग देखिएगा किस प्रकार से ये जो है बाल सेट कर रहे हैं। अब मैं आगे आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है हमारे कटिंग की वीडियो है, फाइनल जो कट हो जाती है, हर एक चीज़ जो ऑफिशियल तरीके से कटते हैं साइड से ही सेट होते हैं, तो ये सब कुछ आप लोगों को वीडियो में दिखाया जा रहा है। ओके, और आप लोग इसको कंटिन्यू देखते रहिए। बस इतना जरूर है मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारी कम्युनिटी टैब चालू हो गई है, तो इसमें क्या है आप लोग क्वेश्चन आसानी से डाल सकते हो, कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ ट्रेड टेस्ट आपका होता जाए तो व्हाट्सअप नंबर मेरा आप दिया गया है, इस पर आप मुझे जो है क्वेश्चन सेंड करते जाना, इससे मैं एक अच्छा सा लंबा सा वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर दूँ। मैं आप सभी को एक बार बहुत अच्छे तरीके से कहना चाहूँगा कि ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए की जा रही है, तो इसको पूरा देखते रहिए। अब आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बालों में डाई किस प्रकार से करते हैं, बालों में यदि कलर लगवाने की, हर एक काम आप लोगों को आना चाहिए और हर एक काम के लिए हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोग देखिएगा, तो बालों में जो है डाई किस प्रकार से लगाते हैं ये आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। द वेरी फर्स्ट आप लोगों को जो है डाई मंगवाना है बाजार से, ये आप लोग एक एक चीज़ क्लियर आप लोगों को दिखाया जा रहा है। हर एक चीज़ जो हमारे नाई हैं वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई हर जगह सपोर्ट नहीं करता ना, तो आप लोगों को दो प्रकार से उसमें पैकेट निकलते हैं, और ये इन्होंने जो ले लिए हैं और इनको किस प्रकार से मिक्सअप करना है, ये सब हर एक चीज़ आप लोग देखो, इन्होंने फ़ोन भी कट कर दिया सिर्फ हमारे लिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो इस प्रकार किस प्रकार से मिक्स करना है ये आप लोग दिखा रहे हैं, ये पहले कट किया उसको, ये कट कर लिया, अब इसको ये मिक्सअप करने का काम कर रहे हैं। ओके, ये आप लोगों को दो पाउच रहते हैं, दोनों का जो है रेशियो पहले से ही फिक्स हो गया आता है, तो आप लोगों को उसी अनुपात में मिला देना है, जो आता है आप लोग पूरा पूरा मिला देना है, कोई अनुपात समानुपात नहीं, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखना है, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। क्वेश्चन की वीडियो में आप लोगों लेकर के आऊँ, फिर से बोलना चाहूँगा मेरे पास 8 से 10 क्वेश्चन जो है फाइनल में, क्या है कोई भी फेक वीडियो बनाना नहीं चाहता, इसीलिए आप लोगों से जुड़ा रहना चाहता हूं। तो आप लोग जब भी जो है ट्रेड टेस्ट देने के लिए जाओ, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया, क्वेश्चन मुझे सेंड कर देना किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो है मिक्सअप कर रहे हैं, तो आप लोग इसको पूरा देखिए किस प्रकार से इसको मिक्स कर रहे हैं। अब आगे मैं आपको जो इनकी लगाने की विधि है, किस प्रकार से इसको ऐड किया जाता है, किस प्रकार से इसको बालों में लगाया जाता है, ये एक और पेस्ट निकल रहा है, ये कलरफुल है, तो आपको जो कुछ भी दिया रहा है पूरा पूरा मिला देना है, आप लोगों को कुछ भी उसमें बचाना नहीं है, क्योंकि घर लेके आने नहीं देंगे, आप सोचोगे कुछ बचा लें तो आप घर पर लगा लोगे। ओके, तो इसको पूरा कंटिन्यू करना है, जो कुछ भी आप लोगों के लिए आया है उसका पूरा टोटल मिक्सअप करना है, और देन आप लोगों को क्या करना है, आसानी से इसको थोड़ा पेस्ट टाइप का बना लेना है। अभी हमारे भैया जो है आपको बना करके दिखाने वाले हैं, और ये हमारा जो है टोटल हो गया है, अब इसको जो है मिक्स करने वाले ये हैं। तो आप लोग हर एक चीज़ क्या है हमारे साथ जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अनुभवी तरीके से आप लोगों को, देखो ये ब्रश आप लोगों ने ले लिया, अब ब्रश से ही आप लोगों को मिक्स करना है, कुछ होते हैं ना यदि चलता नहीं है तो उंगली से ही बढ़ जाएंगे, इसीलिए आप लोगों को एक एक चीज़ इसीलिए क्लियर करवा रहा हूँ जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। आगे आप लोगों को देखते रहना किस प्रकार से इसको लगाते हैं बालों में, और बालों को किस प्रकार से उससे पहले सेट किया जाता है बालों में लगाने से पहले, ये सब चीज़ें आप लोगों को देखनी है। वीडियो को बस आप लोगों को लास्ट तक देखना है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कारण है उसका मैंने सभी ट्रेडों को इसमें कवर किया है, और बाटा कैरियर की यदि हम बात करें तो बाटा कैरियर का मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था जो आप लोगों ने जो है देख ही लिया होगा। ओके, तो आइए इसको पूरा कंप्लीट आप लोगों का मिक्स हो। आगे आप लोगों को देखना है किस प्रकार से जो है बालों में लगाने से पहले क्या क्या इसको तैयारियाँ करनी पड़ती हैं, तो आप लोगों को जो कई तैयारियाँ कर दी गई हैं और इसका शुरुआत हम करने वाले हैं, ये इन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। ओके, तो इसको पूरा कंटिन्यू देखते रहिएगा। बाटर कैरियर का वीडियो जो हमारा खाना पकाने वाला रसोईया होता है, सब कुछ वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सारी की सारी वीडियो आप लोगों को या तो कमेंट बॉक्स कर लेना है जिसमें हम पहले नंबर पर ही पिन कर देते हैं उसको, और या आप लोगों को जो है वहां पर चेक कर लेना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। हर एक चीज़ आप लोगों के लिए कंटिन्यू हम लेकर के आते हैं, क्योंकि आप ही लोगों के कारण हमारा चैनल यहाँ तक पहुँचा है, इसीलिए हम लोगों से आपका जो है सपोर्ट चाहते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को फिर से बोलना चाहूँगा, क्वेश्चन आंसर का वीडियो जल्द से जल्द बनाने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों के लिए कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, वो भी एक्चुअल फैक्चुअल जो वहाँ से मेरे पास आएंगे वही लाऊंगा, कोई भी फालतू काम मैं आप लोगों को नहीं करवाने वाला। बहुत ही फास्ट तरीके से किस प्रकार से ये कैंची और कंघे का प्रयोग करके, और क्या कहते हैं जो हमारा ब्रश कंघे का प्रयोग करके किस प्रकार से लगा रहे हैं, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं ये लोग, हमें क्या है बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इस कारण से हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है।
अब आगे मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ आपकी सेविंग की ओर, क्योंकि आपको वहाँ पर सेविंग भी करवाई जा सकती है, बाल भी कटवाए जा सकते हैं, आईब्रो सेट करने का जैसा कि मैंने आपको बताया, तो कोई भी काम आप लोगों से करवाए जा सकते हैं। तो आइए इनकी जो सेव हमारे जो भैया हैं जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे क्योंकि हर एक कोई भी अपना वीडियो नहीं बनवा सकता ना, तो इन्होंने बोल दिया है बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इसी के साथ इनका सेविंग का वीडियो हम बनाने वाले हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये बिल्कुल तैयार बैठे हैं किस प्रकार से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो सेविंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है और किस प्रकार से हमें ब्रश चलाना है, किस प्रकार से सेविंग करनी है, तो ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर दिखाया जाएगा। किस प्रकार से छुरा चलाना है, सब कुछ आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाई जा रही है, एक एक चीज़ आप लोगों को परमानेंट सेट करके यहाँ पर हम आप लोगों को जो है लेकर के आ रहे हैं। तो इसको पूरा देखते रहिएगा, ये किस प्रकार से इसको सेट कर रहे हैं ये लोग, इन्होंने इसको शुरुआत कर दी है। देखिएगा इसको एकदम गौर से देखिए किस प्रकार से इसको एकदम मतलब बहुत ही हर एक चीज़ हमारे वो उन्हीं अनुभव से हो रही है। आप लोग सोचोगे इतना जल्दी जल्दी, हम 3 से 4 घंटे नाई के यहाँ बैठे हैं, उसके बाद हमको ये वीडियो प्राप्त हुआ है, क्योंकि हर एक कोई बंदा हमारे हिसाब से नहीं चलेगा ना, जो बंदा हमको लगता है कि हाँ टेट टेस्ट में इसी प्रकार का जो है पूछा जाएगा, इस तभी हम उसको अपने में इन्वॉल्व करते हैं, नहीं तो हम इसका जो है वीडियो नहीं बनाते हैं। अब जो हमारे जो इसको सेविंग करवा रहे हैं तो उनका वीडियो वो तैयार है, तो इस कारण से हमने उसको ऐड कर लिया है। ओके, आगे मैं आपको ले जाना चाहूँगा एक और जो कार्यक्रम उसमें पूछा जाता है।